जरूरत नहीं पड़ी। जब से यकीन हुआ है कि तू साथ है मेरे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, तो आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब देखें, इश्क वालों, इश्क वालों पे फकत इतनी I'm not afraid।
ऐसा बेंजो ज्यादा है हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं लेकिन यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है उसका क्या चलिए गजल का ये शेर देखें जो नहीं जानते मफहूम में मोहब्बत क्या है जो नहीं जानते मफहूम में बिछड़ना तुझसे कैसी बेहिसी से जोड़ देता है वो मिट्टी हूँ जिसे दरिया किनारे छोड़ देता है वो मिट्टी हूँ जिसे दरिया किनारे छोड़ देता है मोहब्बत में जरा सी बेवफाई भी जरूरी है मोहब्बत में जरा सी बेवफाई भी जरूरी है वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है खैर आप नाराज हो रूठे के खफा हो जाएं आप नाराज हो रूठे के खफा हो जाएं अजीब बात इतनी भी ना बिगड़े के जुदा हो जाएं बात इतनी भी ना बिगड़े के जुदा हो जाएं प्यार सच्चा है तो कांटों पे जलना महबूब का हर फैसला मंजूर होता है लगाकर जान की बाजी मिटाकर अपनी हस्ती को चला जाता है दुनिया से यही दस्तूर होता है चला जाता है दुनिया से यही दस्तूर होता है प्यार सच्चा है तो कांटों पे चलना कमाई का असर लगता है प्यार की खुशबू से महका हुआ घर लगता है मेरी मेहनत की कमाई का असर लगता है मैंने हालात से सीखा है संभलने का हुनर मुझको मजदूर का आंसू भी गुहर लगता है मैंने हालात से सीखा है संभलने का हुनर मुझको मजदूर का आंसू भी गुहर लगता है फितरतन जो बेवफा होता नहीं नवाजिश फितरतन जो बेवफा होता नहीं वो किसी सूरत खफा होता नहीं फितरतन जो बेवफा होता नहीं वो किसी सूरत
खफा होता नहीं, जहनियत होती है छोटी या बड़ी, आदमी छोटा बड़ा होता नहीं। जहनियत होती है छोटी या बड़ी, आदमी छोटा बड़ा होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश हजरत, जिनकी मुझे दाद मिलती है। मेरे बहुत ही एक और अजीज शायर, मशहूर शायर है हिंदुस्तान के, असलम चिश्ती सर के चार मिसरे याद आए हैं। कहते हैं कि प्यार की राह पे हर एक को लाया जाए, प्यार की राह पे हर एक को लाया जाए, फर्क हिंदू और मुसलमान का मिटाया जाए, फर्क हिंदू और मुसलमान का मिटाया जाए। और इसमें उगते हैं मोहब्बत के हजारों पौधे, इस गुलिस्तां को उजड़ने से बचाया जाए। मुलाहजा करें गजल का ये शेर अल्लाह। आइए, बहुत से लोगों की फरमाइश मुझे आ रही थी फोन पे कि आरजू जी परदेश वाला कोई शेर जरूर पढ़ दीजिएगा गजल में। तो ये बात देखें, जो जो लोग मुझे सुनते हैं, जो हजरात मुझे सुनते हैं, उनके लिए ये शेर मैं पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। घर के दरवाजे पे माँ कहती है परदेश में तो, बहुत ही अच्छा शेर है।
मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। क्या जमाना है, कभी यो भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, तो घर घर सॉरी ये शेर कहना है। वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। आके रुक जाती है तलवार मेरे सर के करीब, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं। मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं। मैं शोहरत लेके चलती हूँ, मैं अजमत। अच्छा अच्छा हमारी बेटी जो आई हुई है प्रोग्राम में, लेकिन उनका उनको हमने बिठाया था। ये एक मतलब एक शेर, खैर ये उनके लिए ही रखा जाएगा। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। आके रुक जाती है तलवार मेरे सर के करीब, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं।